नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। एक बड़ी पुरानी कहावत है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ तनाव के बीच आखिरकार सिद्धू की हार हुई और उन्हें पंजाब कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू ने साल 2017 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद से ही उनके दिन खराब हो गए। सिद्धू कभी इमरान खान को लेकर तो कभी बाजवा से हाथ मिलाकर विवादों में रहे। सिद्धू के बयानों ने कई बार कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। शायद यही वजह रही कि जब सिद्धू ने इस्तीफा दिया तो उस पर कांग्रेस में कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। पंजाब मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद अब सवाल उठने लगा है कि सिद्धू आगे क्या करेंगे। सिद्धू अमृतसर ईस्ट से विधायक हैं। सिद्धू ने अपने इस्तीफे की जानकारी ट्वीट कर दी, जिसके बाद लोगों ने उन पर दनादन सवालों की बौछार कर दी। कई लोगों ने उनका सोशल मीडिया पर भी मजाक उड़ाते हुए उन्हें कपिल शर्मा के शो में जाने की नसीहत दे डाली। प्रवीण बंसल नाम के एक शख्स ने सिद्धू को सलाह देते हुए ट्वीट किया कि कपिल शर्मा के शो में गुत्थी की जगह खाली है, सिद्धू को मौका दिया गया तो वो सुपरहिट रहेंगे। वहीं सुधीर कुमार नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया कि अब सिद्धू सर कहां जाएंगे, कपिल शर्मा के शो में उनकी कुर्सी पर भी अर्चना पूरन सिंह बैठ गई हैं। अजय त्रिपाठी नाम के शख्स ने कहा कि आपका कपिल शर्मा शो में स्वागत है, क्या अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी जाएगी, वैसे सिद्धू जी पलटू राम है। जानवी कटारिया नाम की एक ट्विटर यूजर ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इस्तीफे के बाद सिद्धू कपिल शर्मा के शो में नई पोस्ट तलाशते हुए। इस्तीफे के बाद सिद्धू को जहां कपिल शर्मा के शो को लेकर ट्रोल किया गया, तो वहीं कई लोगों ने उनके तरीके पर भी सवाल उठाए। मयंक सेठी नाम के ट्विटर यूजर ने कहा कि इस्तीफा स्पीकर या राज्यपाल को दिया जाता है, मंत्री पद की शपथ अध्यक्ष ने दिलाई थी क्या, ड्रामा कंपनी में काम करते करते राजनीति में भी ड्रामा करने लगे। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, भाई इस्तीफा राज्यपाल या मुख्यमंत्री को भेजा जाता है, राहुल गांधी को क्यों भेजा है, गजबे है ना घर के ना घाट के, ठोको ताली। वही प्रकाश जोशी नाम के यूजर ने तो उन्हें बीजेपी का टाइम ही याद दिला दिया। लिखा कि सिद्धू कांग्रेस में आए तो क्रिकेट कमेंट्री गए, कपिल के शो से भी लात मार कर निकाल दिया। पत्नी भी अब अमरिंदर सरकार में मंत्री नहीं है, बाजवा को गले लगाया तो पाकिस्तान प्रेमी की छवि बनी। इसे कहते हैं न घर का न घाट का, बीजेपी में था तो कितना कुछ मिला था इसे। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान ही सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तनाव जग जाहिर हो गया था। चुनाव के बाद ये जंग और तेज हो गई। नाराज कैप्टन ने स्थानीय निकाय विभाग छीन कर ऊर्जा विभाग दिया था, लेकिन सिद्धू ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।